धनबाद जिले में विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण दिव्यांग और उसके परिजन सिविल सर्जन ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि धनबाद में मार्च महीने में विकलांग सर्टिफिकेट के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी में एक कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में सैकड़ों दिव्यांगों ने अपने आवेदन जमा किए थे, लेकिन चार महीने गुजर जाने के बाद भी उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसी क्रम में कई लोग धनबाद के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय भी पहुंचे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लाइव लगातार ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि विकलांग प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। इस संबंध में जब सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास से बात की तो उन्होंने बताया कि विकलांग सर्टिफिकेट सदर अस्पताल में हर महीने के 15 तारीख को कैंप लगाकर बनाया जाता था, लेकिन जब से कोरोना महामारी का प्रकोप आया है तब से इस काम को रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन बनना है ये सर्टिफिकेट, ऑनलाइन बना, अभी तो हमारे जो सर्टिफिकेट बन रहा है ये ऑफलाइन में बन रहा है, लेकिन सरकार की निर्देश है कि जो भी ये होगा यूडीआईडी करके ऑनलाइन में बनाना है और वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ऑनलाइन में बनाने में क्या समस्या आ रही है अभी? ऑनलाइन बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है स्टेट से, तो ट्रेनिंग अभी नहीं हुआ है। वो लोग ट्रेनिंग दे देंगे तो फिर हमारे जो हमने राजेश है, हमारे जो लिपिक है टीबी सेंटर में, उसको हम इंडोर्स किए हैं, वो अपने इसको काम करेंगे और साथ में स्वतः उसको सहयोग करेंगे, तो इस तरह हम लोग उसको जाते हैं। हमारी कल्याण विभाग से भी इसका है, कल्याण विभाग भी इसके जिम्मेदार है, वो लोग भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वही इस संबंध में आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले ने कहा कि वे रोज सदर अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सिविल सर्जन के मौजूद नहीं होने के कारण सभी आवेदन अटके हुए हैं। कोरोना काल के चलते विकलांग सर्टिफिकेट बन के काफी है। कितने लोग लाभ लेते हैं इस कैंप से? यहाँ पर 200 लोग कितने दिन में बनता है? नॉर्मल दिन में तो एक महीने में सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। वही दिव्यांग के परिजन ने कहा कि उन्होंने आवेदन मार्च महीने में जमा किया था, जिसके बाद से वे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें कि जिले में हर महीने लगभग 200 दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाया जाता था, लेकिन पिछले चार महीनों से लगभग 800 दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। जुलाई लास्ट तक मैं सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूँ। और अभी तक क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी भी कुछ बताया जा रहा है कब तक बन जाएगा? ना, ऐसा कोई आश्वासन तो कुछ नहीं है कि कब तक सटीक जवाब तो नहीं मिल रहा कि कब तक मिलेगा। बस ऐसे ही हम चक्कर ऑफिस चक्कर लगा रहे थे। मतलब कोई अभी निर्धारित तिथि नहीं बता रहे? नहीं, कहीं से भी कोई निर्धारित तिथि नहीं मिल रही है, ना ही कोई सटीक जवाब मिल रहा है कार्यालय से। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम सुधीर कुमार ठाकुर। और पेशेंट कौन है आपका? मेरा पुत्र है, उनका नाम अंकित कुमार है। अच्छा, आप लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ आए थे क्या? कब आए थे और क्या आप लोग? कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग को बताया गया है कि कब? बताया गया था कि आएगा तो मतलब आकर के पता करके ले लेंगे। कहाँ घर है आपका? कलियासोल। तो फिर आप लोग इससे मतलब क्या सुविधा नहीं मिल पा रहा? सुविधा तो वही सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको लेकर आप यहाँ आए? न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।